जब कभी कुछ तीखा खाने का मन करे तो बनाइए मिर्ची का अचार। तो करना कुछ नहीं है, आपको मिर्च लेना है अचार वाली, जो मोटी वाली आती है ना वो वाली, और उनको बीच में से काट लेना। बीच में से काट के इसके चार चार टुकड़े कर लेना। अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा बड़ी हैं तो 6 टुकड़े कर लेना, क्योंकि पूरी मिर्च तो खाई नहीं जाती है, एक छोटा छोटा पीस तो खाया जाता है। तो इस तरह से इन्हें काट लेना बीच में से मिर्चों को। इस तरह से अपनी सारी मिर्चों को काट लेना आप बीच में से, इनके चार चार या 6 टुकड़े कर लेना। और जब भी आपकी मिर्चें कट जाएंगी तो एक बड़ा सा बोल लेना या कोई बर्तन लेना, उसमें सारी मिर्चें आप डाल लेना। उस मिर्ची डालने के बाद उसमें धनिया लेना, 2 टीस्पून भर के लेना, और धनिया डाल देना उसमें। और फिर चौथाई चम्मच हल्दी लेना, और फिर हल्दी डाल लेना। फिर थोड़ा सा नमक लेना 1 टीस्पून के करीब, और नमक डाल देना। ये मिर्ची मैंने 250 ग्राम ली थी। और थोड़ी सी राई है, ये राई मैंने मिक्सी में पीस ली थी, तो आधी चम्मच राई डाल देना। राई से ही हमारा अचार मैच्योर होगा, क्योंकि हमने कोई खटाई नहीं डाली, तो राई से ही खट्टा भी होगा। और सरसों का तेल डालना, और सब सामान को मिक्स कर लेना। और फिर से एक जार में भर लेना और एंजॉय करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे नए आए हो आप तो फिर सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।